जय माता दी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ नवदुर्गा के बारे में। नवदुर्गा सनातन धर्म में माँ भगवती, जिन्हें माँ दुर्गा, आदिशक्ति, जगत जननी, जगदम्बा भी कहा जाता है, इनके 9 रूपों की मुख्य रूप से पूजा की जाती है। अब तो नवरात्रि भी प्रारंभ हो गई है, तो इस दौरान माँ दुर्गा को पापों की विनाशिनी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन हैं, उनके अलग अलग शस्त्र हैं, परंतु यह सब एक ही है, वो सभी परम भगवती दुर्गा जी से ही प्रकट हुई है। तो आइए हम लोग जानते हैं माँ दुर्गा के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री के बारे। दुर्गा जी के पहले स्वरूप को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। ये ही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने अपने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और वहीं अपने बाएं हाथ में कमल सुशोभित किया हुआ है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ इनका नाम शैलपुत्री क्यों पड़ा। एक बार जब सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया और अपने दामाद भगवान शंकर को नहीं किया। सती ने अपने पिता की यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। परंतु सती संतुष्ट नहीं हुई। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे, भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे, इससे सती को बहुत क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान सहन न कर सकी और युगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। इस अग्नि से व्यथित होकर शंकर भगवान ने केश से वीरभद्र को उत्पन्न कर दजापति के यज्ञ का विध्वंस करके हजारों गणों के साथ भेजा और उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय के पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री पार्वती जी की कठोर तपस्या के बाद उसका लोक कल्याण की भावना से विवाह फिर से भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव की अर्धांगिनी बनी। इस देवीय कथा का महत्व और शक्ति अनंत है।